हेलो, मैं हूं नवीन पोरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स ऑफ लीव। सिनोनिम्स का मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द और लीव मीन्स छोड़ना। हालांकि यहाँ जो वोकैबुलरी आप सीख रहे हैं वो वर्ब फॉर्म में और नाउन फॉर्म में दोनों के थोड़े अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। दिस थिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, क्योंकि शब्दावली, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना, वर्ड पावर इम्प्रूव करना कोई भी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और जब आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ अगर आप अपनी वोकैबुलरी को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे एक बेहतरीन टूल आपके पास जो है वो ये कि आप वोकैबुलरी को वर्ड फैमिली के तौर पर सीखें। मीन्स जब आप कोई एक शब्द सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड और भी कौन से वर्ड हैं जो आपकी वोकैबुलरी को और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हैं या कोई इंटरनेशनल बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जनरली कॉमन वर्ड की जगह कुछ अनकॉमन और थोड़े स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी जब लोकेशन बदलती है तो वर्ड भी बदल जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये सारे वर्ड्स विद सो मेनी एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लीव का साधारण मीनिंग होता है छोड़ना, जो एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो जैसा कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि ही लेफ्ट मी इन बिटवीन और ही लेफ्ट हिज क्लास इन बिटवीन, तो वो एक कॉमन मीनिंग है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लेकिन यहाँ हम लीव को वर्ब के तौर पे पढ़ रहे हैं जिसका मतलब छोड़ना है। तो दूसरा उसका सिनोनिम मींस उसका पर्यायवाची शब्द है गिव अप, जिसका मतलब है किसी कार्य को निराश होकर छोड़ देना। इसका हमने एग्जांपल लिया है कि गिव अप हिज टूर प्लान बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। समर वेकेशन के दौरान उसने सोचा कि मैं कहीं टूर पर जाऊंगा, लेकिन उसने ये प्लान छोड़ दिया निराश होकर, तो हमने इस प्रकार से बोला। नेक्स्ट वर्ड है फोसेक, फोसुक, फोसेकन। की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गिव, गेव, गिवन। इसी प्रकार यहाँ भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ली है, जिसका मतलब है सदैव के लिए छोड़ देना, टू लीव इट परमानेंटली। तो यहाँ एग्जांपल हमने लिया है ही फॉरसूक हिज फैमिली एंड वेंट टू फॉरेन, वो उसने अपने परिवार को सदा के लिए छोड़ दिया और वो फॉरेन चला गया। द नेक्स्ट वर्ड इज अ क्विट। क्विट एक जीरो फॉर्म है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसे होती है, क्विट, क्विट, क्विट। इसका मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना। तो ही हैज नॉट क्विट द स्मोकिंग येट, उसने स्मोकिंग को अभी भी छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज अ ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब गिराना होता है, सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्ड है। द फ्लावर वास वाज ड्रॉप्ड बाय मिस्टेक, जो फूलों का गुलदस्ता है वो गलती से गिर गया। नेक्स्ट इज अ डिजर्ट। हालांकि इसको अगर नाउन फॉर्म में बोलेंगे तो डेजर्ट होता है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन यहाँ वर्ब फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण है डिजर्ट, जिसका मतलब है किसी को छोड़ देना, स्थान या व्यक्ति दोनों के लिए हमने यूज किया है इस वर्ड को। तो मेनी इंडियंस हैव डिजर्टेड द फॉरेन कंट्रीज बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से काफी सारे भारतीयों ने विदेश को छोड़ दिया, फॉरेन कंट्रीज को छोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबेंडन, जिसका मतलब होता है सदैव के लिए त्याग कर देना। तो एग्जाम्पल है इसमें The baby was abandoned by his parents. जो बेबी है, जैसे आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा बच्चे को कोई कचरे की टोकरी में छोड़ जाता है, तो इस प्रकार का ही एग्जाम्पल है, द बेबी वॉज अबेंडेड बाई हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज इवैक्यूएट, का मतलब होता है लोगों को खतरनाक स्थान से अन्यंत्र ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह जहां रिस्क ज्यादा है। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है गवर्नमेंट हैड इवैक्यूएटेड मैनी पीपल फ्रॉम affected areas of COVID-19, जो काफी affected areas है COVID-19 के, वहां से सरकार ने इन लोगों को बचाया है। Next है अपना ditch, जिसका मतलब है धोखा खा लेना या धोखा दे देना। यहाँ हमने example लिया she ditched her friends after becoming successful, सफल बनने के बाद उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया या धोखा दे दिया। Next word is a disappear। disappear का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। जैसे मैनी स्पीसीज, स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियां ऑफ एनिमल्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से काफी सारी जानवरों की प्रजातियां जो है वो गायब हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज है रिलिंक्विश, जिसका मतलब होता है अधिकार, छोड़ देना। यहाँ हमने एग्जांपल लिया ही रिलिंक्विश्ड हिज पोस्ट फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए एक पोस्ट छोड़ दी।
फिर और हमने एग्जांपल लिए हैं, नेक्स्ट है रिजाइन, मतलब इस्तीफा दे देना जॉब के लिए, जैसे ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब ऑफ अ मैनेजर। रिजेक्ट का मतलब है अस्वीकार करना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं सम प्रोडक्ट्स वर रिजेक्टेड फ्रॉम द कंपनी फॉर सम क्वालिटी इश्यूज। एंड नेक्स्ट इज अ रिटायरमेंट, सेना या सेवा से निवृत्त होना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं ही विल रिटायर फ्रॉम आर्मी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज अ सरेंडर, जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रिमिनल सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैकेट, जिसका मतलब स्थान या पद छोड़ देना, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं आई विल हैव टू वैकेट माई हाउस नेक्स्ट ईयर एज द ऑनर इज कमिंग इन द हाउस। सो सारे वर्ड्स जो हैं एक ही जैसे हैं और हर एक जगह इनका जो यूजेस है वो थोड़ा अलग रहेगा, और चूंकि आपके लिए कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं, तो उनका उच्चारण या उनका यूजेस आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, डू अ बिट प्रैक्टिस सो आप इन वर्ड्स को यूज करने में कंफर्टेबल बन पाए, बिकॉज एक बार सुनने से ही आप उन वर्ड्स को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो यू मस्ट राइट देम इन अ नोटबुक एंड डू अ बिट प्रैक्टिस, सो नेक्स्ट टाइम आपके सामने अगर ये वर्ड आए तो आप इसको आराम से समझ पाए, या आपको यूज करना है तो राइट लोकेशन पर आप यूज कर पाए। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी यूजफुल चीजें आप देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।